धन्यवाद बहन शिवानी जी। आज शिक्षक दिवस है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खास तौर पे आप खुद शिक्षिका हैं, आपको एज ए टीचर भी मैं नमन करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। मणिबी इंस्टीट्यूट ने जिस प्रकार से पेंडेमिक के दौरान भी लोगों के साथ संपर्क बनाए रखा, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ऑनलाइन किया और समय की अपेक्षाओं के साथ अपने आप को जोड़ के इस नए नॉर्मल, द न्यू नॉर्मल के साथ जैसे आप जुड़े हैं, उसके लिए आपको बधाई। और आगे भी इसी तरीके से आप अपने काम को बढ़ाते रहें, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तव में आजकल तो अच्छे तरीके से ऑनलाइन ट्रेनिंग और हो सके तो ऑनलाइन के साथ एक छोटा पैकेज ऑन द जॉब ट्रेनिंग या क्लासरूम ट्रेनिंग जोड़ के एक अच्छा हाइब्रिड मॉडल पूरे विश्व में प्रसिद्ध उसकी हो रही है और वैल्यूएशन भी अच्छी मिलती है उसकी। तो मुझे जी लगता है अभी आपको मणिबी इंस्टीट्यूट को एक स्टार्टअप के रूप में इसको शेप देना चाहिए। कल ही रिजर्व बैंक ने स्टार्टअप्स को भी प्रायोरिटी सेक्टर देके एक उसको रिकग्नाइज किया है कि स्टार्टअप आगे आने वाले दिनों में देश की प्राथमिकता बनेगी और उसमें हेल्थ केयर और एजुकेशन, ये दोनों सेक्टर्स का बहुत बड़ा योगदान रहेगा भारत को एक आत्मनिर्भर और बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, तैयार करने के लिए। जी लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स दोनों इंपॉर्टेंट है। लाइव्स प्रोटेक्ट करनी है वो हमारा हेल्थ सेक्टर करेगा, लाइवलीहुड्स प्रोटेक्ट करनी है तो लोगों को तैयार करना पड़ेगा वो अच्छे स्किल्स के साथ, अच्छी नॉलेज के साथ, और वो आपका क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र से ही संभव है। तो इससे मुझे लगता है आपके लिए आगे अच्छी चुनौतियां भी हैं लेकिन अच्छी संभावनाएं भी हैं, और हर चुनौती में से संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो मुझे जी पूरा विश्वास है आप आगे चल के इस इकोनॉमी डायलॉग को भी आगे चालू रखेंगे जी और देश में, और खास तौर पे महाराष्ट्र आपके क्षेत्र में लोगों का मनोबल मजबूत बना रहे, लोगों का इच्छा शक्ति भी अच्छी बनी रहे, और जैसे कहते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और जी मुझे विश्वास है कि कोई, जैसा आपने अटल जी की कविता से बताया, बाधाएं तो आती रहेंगी लेकिन बाधाओं का सामना करना ही वास्तव में इस देश की सही पहचान रही है। बहुत बाधाएं हमने पास्ट में चुनौतियों को भी स्वीकार किया, बाधाओं को भी ओवरकम किया है, और मुझे जी विश्वास है कोविड को भी ओवरकम करने में भारत सक्षम रहेगा। एक जी स्वामी विवेकानंद का कहा हुआ मंत्र मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा, एंड आई कोट, डोंट लोअर योर गोल्स टू द लेवल ऑफ योर एबिलिटीज, इंस्टेड रेज योर एबिलिटीज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स। मैं समझता हूं बड़े अच्छे तरीके से स्वामी जी ने समझाया है कि हमारी क्षमताएं बहुत होती हैं, क्षमताओं को पहचानने में कई बार हम चूक कर जाते हैं। तो इससे जो लक्ष्य है, लक्ष्य को कभी कम मत करिए। लक्ष्य, टारगेट सेटिंग ऑलवेज हाई होनी चाहिए, इम्पॉसिबल लगने चाहिए, लगना चाहिए ये टारगेट अचीवेबल नहीं है, तभी आप अपनी पूरी क्षमताओं को इस्तेमाल करके उस लक्ष्य की तरफ पहुंच पाएंगे। और जब लक्ष्य बड़ा मजबूत हो, तेजस्वी हो, तो क्षमताएं अपने आप में उभरती हैं और उभरने के साथ साथ क्षमताएं आपको लक्ष्य की तरफ लेके जाती हैं। अभी अभी अजय जी रेलवे की बात कर रहे थे, छोटा उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहूंगा। जब हमने लक्ष्य रखा कि हम रेलवे में वी विल एस्पायर फॉर जीरो फेटलिटीज ड्यू टू एक्सीडेंट्स, पैसेंजर्स की जो मृत्यु हो जाती थी रेलवे के एक्सीडेंट में, उसका हमने लक्ष्य रखा कि हम जीरो करने की कोशिश करें। वास्तव में ये असंभव ही लगता था। आपने 160 साल से रेलवे में देखा है,
समय समय पे कभी एक्सीडेंट हो रहा है, लोगों की मृत्यु हो रही है एक्सीडेंट के कारण, रेलवे की गलती के कारण। और जब ये लक्ष्य रखा तो थोड़ा लोगों में उसके बारे में रेलवे के अंदर चिंता थी, बाहर लोगों में अविश्वसनीयता थी, कोई विश्वास नहीं करता था। पर अब हमें भी डर था कि ये ऐसा संभव कैसे है, पर हमने कहा लक्ष्य तो ये रखते हैं, वी शुड एस्पायर फॉर दैट। और जिसको कहते हैं ना, यू शुड कभी कभी यू एम टुवर्ड्स इंफिनिटी, इस प्रकार का लक्ष्य सोच के हमने इसको रखा। और मुझे खुशी है बताते हुए, पूरा पिछला वर्ष 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 एक भी पैसेंजर की मृत्यु रेलवे एक्सीडेंट के कारण नहीं हुई। द सीमिंगली इम्पॉसिबल बिकेम पॉसिबल बिकॉज देयर वाज दैट एबिलिटी। हम सेफ्टी पे नियंत्रण रखें, सेफ्टी के कामों को तेज गति से करें, कोशिश करें, हर प्रकार की कोशिश करें, तो लक्ष्य संभव भी होता है। इसका ये मतलब नहीं कि आगे चल के शायद कभी भी एक्सीडेंट में कोई पैसेंजर की मृत्यु नहीं, लेकिन एक आत्मविश्वास जगा है रेलवे का। रेलवे में लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि संभव है। और ऐसे ही अगर हम देश में 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी का लक्ष्य देके हम चले कि हम 2025 तक करेंगे, उसमें जरूर एक बाधा आई है कोविड की, पर इसको भी कैसे ओवरकम करें, कैसे ये लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, लॉस्ट टाइम को मेकअप करें, इस पे हम सबको मिलजुल के काम करना है और अपने लक्ष्य की तरफ अभी भी अग्रसर रहना है। ये मैं समझता हूं इस देश की आज मांग भी है, देश की जरूरत भी है। और हम सब मिलके एक कोऑपरेशन के साथ, कोलैबोरेशन के साथ इस लक्ष्य की तरफ चले तो जरूर संभव होगा। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इंस्पिरेशनल लीडरशिप में ये लक्ष्य अवश्य हम हासिल करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आप कोविड को ले लीजिए, जब मार्च में लॉकडाउन अनाउंस किया, और आज कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि लॉकडाउन जरूरी था क्या, लॉकडाउन से इकोनॉमी जीडीपी घट गई, वो ये नहीं याद करते हैं कि मार्च में परिस्थिति क्या थी देश के सामने और दुनिया के सामने। मार्च में भारत मात्र शायद जनवरी में तो 300 ही टेस्ट कर पाता था हर रोज के, मार्च तक बढ़ के 2,500 टेस्ट पे आए थे, 4 सेंटर थे पूरे देश। कहां जनवरी में 300 टेस्ट और कहां आज 11,72,000 टेस्ट 2-3 दिन पहले हुए। जर्नी फ्रॉम 300 to 11,72,000 मात्र 8 महीने। कभी किसी ने कल्पना की थी कि भारत टेस्टिंग में इतनी बड़ी छलांग लगा सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं? पीपीस, कुछ थोड़े बहुत पीपीस भारत में बनते थे, 1,000 से भी कम हर रोज। आज 5 लाख पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रोज भारत में बनते हैं। क्या कभी किसी ने कल्पना की थी इस चीज की? मास्क, टेस्टिंग किट्स, वेंटिलेटर्स, आज आईसीयू बेड्स का जो जाल बिछा दिया है देश में, जिस प्रकार से कोविड केयर सेंटर्स बने, अपने आप में देश की क्षमता भी प्रदर्शन करती है और देश का आत्मविश्वास भी जागृत करती है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब देश तय कर लेता है कि हमें इस मार्ग पे चल के सफल होना है, तो इस देश की इतनी क्षमता है कि उसको सफलता पूर्वक कर सकते। और आज जब इतने बड़े पैमाने पे कोविड फैल रहा है, तो भी भारत उसको संभाल पा रहा है। भारत में कोई पीपीई की कमी नहीं है, कोई वेंटिलेटर की कमी नहीं है, कोई मास्क की कमी नहीं है। हर प्रकार से भारत ने अपने आप को आत्मनिर्भर भी बनाया। और आज ये स्थिति है कि चाहे मास्क हो, टेस्टिंग किट्स हो, पीपीईज हो,
वेंटिलेटर्स हो, आज अपने लिए नहीं हम पूरे देश के दुनिया के लिए भी बेचने के लिए तैयार है। हमने एक्सपोर्ट निर्यात भी शुरू कर दिया इन सभी प्रोडक्ट्स का, और एक प्रकार से विश्व के सामने एक रोल मॉडल बना है, जहां मृत्यु दर शायद 1.58 पे है, वह 1.58 पे 1.78% मृत्यु दर पे हम है, जबकि कई देश तो डबल डिजिट में, इंडिया स्टिल एट 1.78%। इसी प्रकार से रिकवरी रेट लगभग 78 या 80% पे हम आज खड़े हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कोविड की लड़ाई में प्रधानमंत्री जी हर कदम आगे की सोचते रहे, दो कदम आगे सोचते रहे, दो कदम उनके कार्य की पद्धति रही। इसके कारण देश ने इस इतनी बड़ी महामारी को सफलतापूर्वक नियंत्रण में भी रखा और इस चुनौती का सामना कर पाए। एक सिंपल मंत्र, आप टीचर हैं, टीचर स्टूडेंट्स को इक्विप करते हैं नॉलेज के साथ भी और एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, तो मैंने इक्विप के ऊपर, EQUIP के ऊपर एक छोटा मंत्र आपके समक्ष रखने का सोचा। ई फॉर एफिशिएंसी। आज कोविड में वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह के माध्यम से जो हम काम कर रहे हैं, हम स्वयं महसूस कर रहे हैं कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ी है। काफी टाइम जो नॉर्मल कर्टसीज और ट्रैवलिंग और इस सब में जाता था वो बच गया, यहाँ तक के गला बैठ जाते हैं शाम तक, क्योंकि इतना सारा वीसीज पे काम हो जाता है दिन में, दिन भर आप यू आर एंगेज विथ पीपल, यू आर टेकिंग डिसीजंस, थिंग्स आर मूविंग। आज एफिशिएंसी देश की बढ़ी है और ये पहला मुद्दा है जिसको हमें देश के समक्ष रखना है कि इस समय का इस्तेमाल कैसे अच्छे तरीके से करना, एफिशिएंसी बढ़ाना। दूसरा, क्वालिटी। क्यों? देश की पहचान क्वालिटी के साथ दुर्भाग्यपूर्ण है कि जुड़ नहीं पाई है। आज हमारा स्थान क्वालिटी से नहीं जुड़ता है। आप स्विट्जरलैंड की घड़ियां देखो, आंख बंद करके आदमी खरीद लेते हैं, ओह स्विस वॉच परफेक्ट होगी, जर्मन प्रिसिशन टूल्स परफेक्ट होंगे, जापानीज इक्विपमेंट परफेक्ट होगी। कहते हैं समय आप घड़ी का नाप सकते हैं, इतना परफेक्ट स्विट्जरलैंड या जापान की ट्रेन चलती है। ऐसे ही भारत को भी क्वालिटी कॉन्शियस होना पड़े, और वो जो जुगाड़ू अप्रोच है जो चलता है वो इस देश को नकारना पड़ेगा पूरी तरीके से। हमारा जो काम हो, हमारा जो उत्पादन हो, हम जिस क्षेत्र में सेवा दें, आप टीचर के माध्यम से लोगों को ट्रेनिंग देती हैं, ये सब की क्वालिटी वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, यू शुड बी सेकेंड टू नन। तो इक्विप का दूसरा बिंदु क्वालिटी। तीसरा, यूनिकनेस। भारत को पहचान करनी पड़ेगी हम किस तरीके से अपनी यूनिक चीजों को विश्व के सामने रख सकते। हमारी टीचर्स की काबिलियत वो यूनिक है, हमारे देश में जो कल्चरल आइडेंटिटी है, जो हेरिटेज है, जो ट्रेडिशन है, अपने आप में देश की एक यूनिकनेस है विश्व में। और किधर, आपको पूरे 12 महीने हर एक सीजन नहीं मिलेगा, ये भारत की यूनिकनेस है, भारत की जो एक हिस्टोरिकल स्ट्रेंथ है, इतिहास है, वो अपने आप में यूनिक है। हमारे कामगारों की जो क्षमता है उसमें यूनिक ट्रेड्स आपको देखने को मिले, हमारे हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले आर्टिसंस, चाहे वो भदोही के कारपेट हो, कोल्हापुर की चप्पल हो, अपने आप में हमारे आर्टिसंस में एक यूनिक आइडेंटिटी है।
हमारे फल और फूल में एक यूनिकनेस है, हमें भारत की यूनिकनेस को विश्व पटल पर रखना है। ये यूनिक आइडेंटिटी ऑफ इंडिया पहले हमें पहचाननी है और फिर विश्व को उसकी पहचान देनी है। ऐसे ही आई इनोवेशन, आखिर आज अमेरिका हो, यूरोप हो, जापान हो, कोरिया हो, ताइवान हो, ये क्यों सफल देशों में है? इज़राइल, वो भी आई से शुरू होता है। इन सब देशों ने इनोवेशन पे बहुत बल दिया है, रिसर्च डेवलपमेंट, नई शोध, ये इनकी एक पहचान बनी। और जो देश इनोवेशन के साथ जुड़े हैं वो देश सफल हुए। हमारा आईटी सेक्टर अपने आप में देश को क्यों आगे लेके जा पाया? क्योंकि वो कंटिन्यूअसली इनोवेट करते हैं। और मैं समझता हूं अगर हमने इस देश में जिसको कहते हैं स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, एक अंग्रेजी मुहावरा है द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, इंक्विजिटिवनेस, इसको अगर हम इस इंक्विजिटिवनेस को हमारे युवा युवतियों में जागृत करें, हमारे सब छात्रों में स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, इंक्विजिटिवनेस और इनोवेशन, इसको अगर हम जागृत करने में सफल होते हैं तो देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और ऐसे ही आखिरी बिंदु पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, और शायद बहन शिवानी समझ पाई होंगी, प्रोडक्टिविटी। जब तक इस देश में हम हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाते, आउटपुट नहीं बढ़ाते, और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं तो क्वालिटी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। क्वालिटी इज द चीपेस्ट थिंग, क्वालिटी से खर्चा बढ़ता नहीं है, खर्चा उल्टे कम होता है, क्योंकि आप एक काम करने का ढंग क्वालिटी के साथ जोड़ते हो तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, आउटपुट बढ़ता है, एफिशिएंसी बढ़ती है। और अगर ये पांचों बिंदु को एक साथ ले लें, एफिशिएंसी, यूनिकनेस, क्वालिटी, इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी, ये पांचों बिंदु को हम जोड़ के भारत को आत्मनिर्भर बनाने जाते हैं, भारत का आत्मविश्वास जागृत करते हैं, विश्व पटल पर भारत को एक स्ट्रॉन्ग टर्म्स के साथ हम एंगेज करते हैं, इंटरनेशनल ग्लोबल ट्रेड में भारत का एंगेजमेंट एक पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ हम आगे लेके जाते हैं, तो मेरा पूरा विश्वास है कि भारत 5 ट्रिलियन क्या 2030 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी। और जो मनीबी ने मुझे कुछ बिंदु भेजे थे उसमें उन्होंने एक बिंदु ये भी भेजा कि हम लगभग 1000 साल से अधिक तक विश्व की नंबर 1 इकोनॉमी हुआ करते, क्या भारत फिर एक बार उस विश्व में अपना सही स्थान, एक विश्व गुरु के स्थान पे फिर एक बार नहीं पहुंच सकते? मेरा मानना है हम जरूर पहुंच सकते हैं, और उसमें जो हमारी टीचर्स ने हमें सिखाया, जो हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया, उसको अगर हम अच्छी तरीके से हमारे जहन में ले लें, हम पूरी तरीके से हमारे टीचर्स के सिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं और अपने आप को इक्विप करते हैं इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश के आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए, तो मेरा पूरा विश्वास है दुनिया की कोई ताकत भारत को तेज गति से ग्रो करने से रोक नहीं पाएगी। भारत की अर्थव्यवस्था एक विश्व स्तरीय अर्थव्यवस्था बनेगी और हम आगे चल के एक मजबूत देश, एक प्रॉस्परस देश, जो 130, 135 करोड़ देशवासियों की आशाएं, अपेक्षाएं को पूरी तरीके से फुलफिल कर सके, पूरी तरीके से उसका उसको सफलतापूर्वक लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सके, ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने में आइए हम सब मिलके युवा युवती एक प्रतिज्ञा लें। वी विल इक्विप आवरसेल्व्स टू बी सेकेंड टू नन, वी विल मेक इंडिया सुपर पावर, वी विल बी द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। बहुत बहुत धन्यवाद।